नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर। चलिए मैं आज आपको लेकर चलता हूँ फागवेल। फागवेल में यहाँ पर स्थित है बासुही महाराज का मंदिर। तो आज की वीडियो के अंदर हम बासुही महाराज का दर्शन करेंगे और बासुही का जो हिस्ट्री है, मंदिर के बारे में जो कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये है आपके आँखों के सामने मंदिर के सामने के शहर का व्यू, जहाँ पर मार्केट लगा हुआ है। आप यहाँ से मंदिर के अंदर चढ़ावे के लिए प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं। आपको यहाँ पर छोटे बच्चों के खिलौने भी देखने को मिलेंगे। तो अब हम करेंगे मंदिर के अंदर प्रवेश। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको यहाँ पर बासुही महाराज का खूबसूरत दर्शन का लाभ लेने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आपको गुजरात के अंदर जो भी प्रसिद्ध मंदिर है उनके दर्शन आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर होते रहेंगे। मंदिर के अंदर हम जैसे ही प्रवेश करेंगे, यहाँ पर बहुत बड़ी दान पेटी रखी हुई है, वो आपको नजर आएंगी। आप अपने हिसाब से मंदिर के अंदर दान दे सकते हैं। यह फागवेल के अंदर बसा बासुही महाराज का मंदिर वडोदरा से 75 किलोमीटर दूर है, और अगर आप अहमदाबाद से आते हैं तो आपको लगभग 25 किलोमीटर का अंतर तय करना पड़ेगा। गुजरात के खेड़ा जिले में फागवेल गांव में स्थित बासुही महाराज मंदिर आसपास के क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है, और यहां पर साल भर में बहुत सारे भक्त यहां पर आकर बासुही महाराज का दर्शन का लाभ लेते हैं। डाकोर और फागवेल के पास यहां पर लसुंडरा गाँव है। गाँव के अंदर गर्म पानी के झरने बहते हैं, तो वो भी पर्यटकों के लिए खूबसूरत आकर्षक केंद्र बना हुआ है। अगर आप फागवेल के अंदर आते हैं तो लसुंडरा जाकर आप गर्म पानी का जो झरना बहता है उनका आनंद भी आप ले सकते हैं। बासुही महाराज क्षेत्र के योद्धा नायक के लिए बहुत लोकप्रिय है। हमने यहाँ पर मंदिर के अंदर खूबसूरत दर्शन का लाभ ले लिया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं मंदिर के अंदर के शहर का नज़ारा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ 350 साल पीछे। तो जरा यहाँ पर कहानी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो स्वभाव से बहुत आध्यात्मिक और शक्तिशाली शासक था, इसलिए उनके राज्य में आम जनता बड़ी सुखी से रहती थी। उन्होंने अकल व आध्यात्मिक महिला और सिख डोल की राजकुमारी से विवाह किया था। ऐसा कहा जाता है कि डाकोर और पावागढ़ की तीर्थ यात्रा के दौरान उन्होंने पावागढ़ की देवी के माँ महाकाली माता जी का दर्शन का आशीर्वाद भी मिला था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मंदिर का डेमो। अभी मंदिर आधा बनके तैयार हो चुका है। जब पूरा बनके रेडी हो जाएगा तब आपके आंखों के सामने मंदिर पूरा ऐसा दिखेगा। इससे उन्होंने यहाँ पर दिव्य पुत्र बासुही की प्राप्ति हुई। बासुही के छोटे भाई भी थे, उनका नाम है हाथी जी, और उनकी दो बहनें भी थी, उनका नाम है सोनबा और बंजीबा। बचपन से बासुही महाराज बहुत बहादुर थे, घुड़सवारी के शौकीन थे, और प्रतिदिन भक्ति और प्रेम से सांपों को दूध पिलाते थे। अब हम चलेंगे मंदिर के पीछे की साइड पर, जहाँ पर नारियल का प्रसाद करने का यहाँ पर सुविधा दिया गया हुआ है। 350 वर्ष बाद भी आज तक बासुही महाराज को पुरुष योद्धा के रूप में पूजते हैं, जो अपने दाहिए हाथ में तलवार लेकर घोड़े की सवारी करते हैं। गाय के रक्षक के रूप में लोक देवता है। जिस करोड़ की लागत से ये मंदिर बनकर रेडी होने वाला है। यहाँ पर आप ये बड़े बड़े पत्थर जो देख रहे हैं, वो राजस्थान से मंगवाए गए हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर बासुही महाराज की समाधि बनी हुई है। मंदिर का पीछे का शहर का जो हिस्सा है, वहाँ पर आपको बासुही महाराज की समाधि बनी हुई आपके आँखों के सामने नजर आने वाली है।
यहाँ पर आकर यहाँ का मार्केट विजिट करेंगे तो आपको बड़े बड़े बंदूक और यहाँ पर बड़ी बड़ी तलवारें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको बहुत ऊंचा ऊंचा रेट बताया जाएगा, लेकिन आप अपने हिसाब से मार्जिन कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, हमने भद्रो जी महाराज का दर्शन का लाभ लिया, यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की। अगर आप टूर से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से मिलने वाले हैं, एक और नए मंदिर का टूर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। जय हिंद जय भारत।